हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेकर आया हूँ एक नया फोन जो आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास एक सैमसंग का अल्ट्रा सिम का 14 इंच का टीवी आया है। इसका प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, एक कुछ रेड ग्रीन ब्लू का बार आ रहा है और हमारा कोई पिक्चर नहीं है। अंदर में साउंड तो चल रहा है, साउंड ओके है, लेकिन हमारा कोई पिक्चर नहीं है और टीवी बार बार बंद पड़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये बार आया है, फिर हमारा चैनल का साउंड आया है, ये भी लगा आया है, लेकिन हमारा जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर नहीं है। फिर हमारा टीवी कुछ देर के बाद बंद पड़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं फिर से हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है और हमारा टीवी ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टीवी पे कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, इसका क्या फॉल्ट निकलता है आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ जो हमारा टीवी का इंडिकेटर है। पहले तो टीवी ऑन हो जाता है, फिर टीवी बंद पड़ जाता है, बंद होने के बाद फिर चालू होने की कोशिश करता है। आप लोगों को टीवी स्क्रीन पे दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हमारा वो बार है और ए भी लिखा भी आ रहा है, नो सिग्नल लिखा होके आ रहा है और टीवी पिक्चर बंद पड़ जाता है। इसके लिए दोस्तों पहले तो कुछ वोल्टेज हमारा जान लेना चाहिए, जो हमारा मेन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को पहले जान लेते हैं। ये रहा हमारा पावर सेक्शन, ये पावर सेक्शन से जो हमारा वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज को पहले देख ले। पहले तो दोस्तों हमारा जो मेन वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है हमारा ESD को सप्लाई देने के लिए, जो सप्लाई होता है ये डायोड के बाद में जो हमारा DC वोल्टेज होता है वो आप लोग देख सकते हैं 120 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा जो चौपर से हमारा मेन वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद जब स्टैंड बाई मोड में चला जाता है तो हमारा टीवी का वोल्टेज कम हो जाता है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है, ये वाला जो वोल्टेज हमारा होता है ये रेगुलेटर सिस्टम के लिए होता है, हमारा 11 वोल्ट वो 12 वोल्ट जो होता है वो हमारा यहाँ पे है। और एक वोल्टेज जो हमारा होता है जो हेरा, और एक वोल्टेज जो हमारा 5-6 होके आ रहा है, मतलब ये वाला वोल्टेज हमारा जाता है, ये वाला जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम है, रेगुलेटर सिस्टम पे हमारा ये 5 वोल्ट आया है। आप लोग देख सकते हैं ये वोल्टेज हमारा 4-pin रेगुलेटर पे स्विचिंग होके हमारा वोल्टेज निकलता है। और एक रेगुलेटर है यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज तैयार करता है, 3.4 निकल रहा है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला जो 12 वोल्ट है ये 12 वोल्ट हमारा जाता है हमारा ये वाला जो हमारा पावर सिस्टम के लिए जो हमारा वोल्टेज जाता है वो हमारा ये 12 वोल्ट एक रेगुलेटर पे आया है जो हमारा यहाँ पे तैयार करता है 3.3 जो रेगुलेटर लगाया हुआ है ये वोल्टेज के लिए। और हमारा ये जो हमारा 6.5 का जो एक वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज हमारा आता है और एक रेगुलेटर पे जो हमारा 5 वोल्ट तैयार करता है। मतलब हमारा जो दोनों सिस्टम का जो दोनों पावर का यहाँ पे काम करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट निकल रहा है जो हमारा 4 पिन का रेगुलेटर है, और जो हमारा 3 पिन का जो रेगुलेटर है वो 3 पिन का रेगुलेटर हमारा निकलता है 3.3 वोल्ट। मतलब हमारा दोनों रेगुलेटर पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज काम कर रहा है, इसीलिए हमारा सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम करने के लिए ही हमारा ये वाला जो ग्रीन लाइट ऑफ चल रहा है, बंद हो रहा है, ये वाला काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों और एक वोल्टेज दिखा दूँ आप लोगों को, ये जो हमारा ESD सेक्शन है, ESD होने के बाद एक वोल्टेज निकलता है, 2 वोल्टेज निकलता है। जो हमारा एक तो होता है हमारा जो निक पे जाता है 200 वोल्ट का जो पॉइंट होता है वो वाला यहाँ पे वोल्टेज निकलता है। आप लोग देख सकते हैं 200 वोल्ट है, 195 है, और हमारा जो टीवी स्टैंड बाई मोड में चला जाता है तो अब तो वोल्टेज काम हो जाता है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है,
और एक वोल्टेज होता है दोस्तों हमारा यहाँ पे, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए जो वोल्टेज दिया गया है वो हमारा ESD सेक्शन से भाया होकर दिया गया है। दो दो वोल्टेज होता है, एक तो 14.5 होता है जो माइनस पे आता है, जो हमारा वोल्टेज माइनस पे आता है 14.5 16.5 15 वोल्ट, और एक वोल्टेज होता है हमारा यहाँ पे 15 वोल्ट प्लस। ये दोनों वोल्टेज हमारा काम करता है, ये वाला जो हमारा वर्टिकल IC है वो वर्टिकल IC पे काम करता है। पहले तो हमारा जो इस पास के जो पिन है वो हमारा पहला नंबर पिन हमारा वो पॉजिटिव का वोल्टेज आता है, जो हमारा 15 वोल्ट होके हमारा वोल्टेज है, जो हमारा 15 वोल्ट प्लस का वोल्टेज है वो हमारा आता है यहाँ पे। ये हो गया हमारा 15 वोल्ट प्लस का, और दूसरा जो हमारा पिन है ये वाला पिन, वो पिन हमारा आता है हमारा नेगेटिव वोल्टेज पे, माइनस वोल्टेज पे, वो हमारा 14-14.6 आ रहा है, मतलब ये वाला भी 15 वोल्ट के तरफ हमारा वोल्टेज है, माइनस पे वोल्टेज है। और एक वोल्टेज आता है जो हमारा यहाँ पे, वो यही वोल्टेज हमारा डायोड भाया होके हमारा ये वाला वोल्टेज आता है जो हमारा 15 वोल्ट प्लस का था, वो वोल्टेज हमारा डायोड भाया होके 15 वोल्ट आ गया है। मतलब हमारा वर्टिकल सेक्शन पे भी हमारा वोल्टेज सही है, लेकिन हमारा सिस्टम पे चालू होने के लिए जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे स्टार्टिंग होने के बाद हमारा ट्यूनर पे वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, वो आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ गया है, 47 वोल्ट आ गया है, मतलब हमारा 5 वोल्ट भी ओके है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा टीवी पे ऊपर साइड का जो बार आया है, वो बार हमारा जो आया है वो बार हमारा ज़्यादातर टाइम हमारा ये वाला जो हमारा वर्टिकल सिस्टम है वो वर्टिकल सिस्टम के लिए आता है। इसके लिए पहले तो दोस्तों वर्टिकल IC को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा हमारा वर्टिकल सेक्शन से जो प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। वो जो जो हमारा स्क्रीन पे जो हमारा तीनों कलर का बार आया है, वो कलर का बार हमारा ज़्यादातर हमारा ये वर्टिकल सेक्शन से ही आता है। इसके लिए पहले ये वाला जो वर्टिकल IC है वो वर्टिकल IC को चेंज करूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। IC चेंज करने से पहले दोस्तों हमारा ये जो हमारा जो वर्टिकल IC है, ये वर्टिकल IC को जो डाई हो जाता है वो डाई को पहले आप लोगों को ठीक करना है, उसके बाद ही टीवी चालू करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये डाई से भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं डाई मारने के बाद सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो सिस्टम चालू होना चाहिए था वो चालू नहीं हुआ, इसीलिए मैं पहले ये IC को चेंज करूँगा। ठीक है, पहले IC को चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो पुराना वाला हमारा वर्टिकल IC था, वो वर्टिकल IC ऊपर साइड से फट गया था, वो हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं नया वाला IC लगा लिया हूँ, जो इसका नंबर है आप लोग देख सकते हैं LA7804-5 का, ये हमारा सैमसंग का वर्टिकल IC का नंबर है। ये वर्टिकल IC लगाने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ हमारा सिस्टम चालू हुआ कि नहीं। जो हमारा सिस्टम पे जो एक तीन कलर का एक बार आ रहा था, और हमारा टीवी सिस्टम से स्टैंड बाई मोड में चला जाता था, और कुछ देर के बाद फिर से ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चालू हो जाता था, उसका प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं आप लोगों को दिखा दूँ। पहले तो मेरा टीवी को लाइन देने के बाद हमारा जो ग्रीन लाइट जलना चाहिए वो जल गया है, उसके बाद हमारा टीवी का जो हमारा वोल्टेज रिलीज करने के बाद है वो वोल्टेज आप लोगों को दिखा दूँ, वो वोल्टेज भी हमारा सही निकल रहा है। और जो हमारा वर्टिकल IC पे जो वोल्टेज था वो आप लोग देख सकते हैं हमारा 15 वोल्ट, और नीचे साइड पे भी हमारा 15 वोल्ट, और आप लोगों को दिखा दूँ ये वाला जो 15 वोल्ट 3-4 आ रहा है, ये वाला पिन पे हमारा कम आ रहा था, वोल्टेज कुछ कम आ रहा था, जो हमारा 14.8 हो गया था। लेकिन दोस्तों ये वाला इसे देखिए, वोल्टेज देखिए 15.4 आ गया है, मतलब ये दोनों पिन पे भी हमारा सेमी वोल्टेज है, और मिडिल पिन पे जो हमारा वोल्टेज था 14.4 वोल्ट, वो वाला 14-14.4 वोल्ट आ गया है। मतलब दोस्तों हमारा सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना चाहिए, अभी तक हमारा ग्रीन लाइट नहीं जला। आप लोगों को टीवी पे दिखा दूँ, जो हमारा AB और नो सिग्नल आ रहा था, और ये तीन कलर का बार आ रहा था, वो बार भी हमारा चला गया है,
और हमारा टीवी सही तरीके से काम कर रहा है, वो स्टैंड बाई मोड में नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो आज का जो प्रॉब्लम था हमारा, वो हमारा वर्टिकल आईसी से निकला। जो वर्टिकल आईसी खराब होने से ही हमारा जो सिस्टम पे फीडबैक जाता है, वो फीडबैक देने से ही हमारा स्टैंड बाई मोड में टीवी चला जाता था और हमारा टीवी फिर से चालू होने की कोशिश कर रहा था। और स्क्रीन पे हमारा पिक्चर नहीं था और पिक्चर के बदले में हमारा जो कलर का बार आ रहा था वो बार भी हमारा हट गया है और हमारा टीवी चालू हो गया है। इस तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरा चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा देना। नया वीडियो जब लेके आऊँगा वो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आप लोगों को नया वीडियो मिलने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लास्ट तक देखिए और हमारा दूसरा जो चैनल है क्रिएटिव हॉक वो वाला चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।